हेलो गाइस, एक और नई वीडियो के साथ स्वागत है। आज मैं जा रहा हूँ एलिफेंट फॉल, जो कि पड़ता है शिलोंग में। एंड शिलोंग सिटी से 9.1 किलोमीटर की दूरी पर होता है एलिफेंट फॉल जो, और आपको वहाँ में देखने को मिलेगा वाटरफॉल, लोगों की वीर एंड सुंदर सुंदर वादियाँ। और जब भी आप शिलोंग में विजिट करने के लिए आता है तो एलिफेंट फॉल आइएगा, क्योंकि वो एक लोगों का काफ़ी पसंदीदा जगह होता है और बहुत ही सुंदर भी होता है। तो चलते हैं। फाइनली यहाँ पे पहुँच गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ मेरा रास्ता है। यहाँ से आप सिरापुंजी जा सकते हैं, और वहाँ से नोंगतोई बोलता है और रोंगजन, और वो जो कार वहाँ से निकल रहा है वहाँ से हम लोग जाएगा। वो वहाँ पे एलिफेंट फॉल जो हुआ जंगल से होके जाएगा। यहाँ में कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। और ये जो मेरा बड़ी बैठा हुआ है, बड़ी हेलो हाई, तो यहाँ से ये है ना, हेलो हेलो हेलो, यहाँ से कहाँ जाते हैं? क्या मैं हैंडसम हूँ? ये सिरापुंजी साइड है ना। हाँ, और फिर वो जो नोंगथोय, फिर आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ से जाना है। ये जो हुआ फिर एक यहाँ में जंक्शन है, तीन तरह का यहाँ में है और यहाँ में भी है, और हम लोग को यहाँ में जाना है जंगल की ओर। यहाँ में ज़्यादातर कंफ्यूज होता है, मैं यहाँ सब लोग को यहाँ में जाके दिखा देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में एलिफेंट वेलकम टू एलिफेंट फॉल लिखा है, और ये है सिरापुंजी का रास्ता, और ये है नोंगथोय जो कि वेस्ट काशी हिल का हेडक्वार्टर है, और यहाँ से जाना है। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है वहाँ से जाना है। अभी वहाँ से गाड़ी भी निकल रहे हैं, मेरा बड़ी जो गाड़ी उधर में रखा है, हम दोनों यहाँ से अभी निकलेगा, क्योंकि ये जो जंक्शन है यहाँ में ज़्यादातर अभी लोग आके कन्फ्यूज़ होते हैं, इसलिए कन्फ्यूज़ नहीं होना है। यहाँ में तीन तरह का रास्ता है, एक जो सिरापुंजी साइड जाता है, और एक जो नोंगथोई जाता है, जो कि वेस्ट काशी हिल का हेडक्वार्टर है, ऊपर तरफ जाता है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जाएगा। तो वैसे ये है सेक पॉइंट एलिफेंट फॉल का, और यहाँ में आपको पेड करना है। एंड दो आदमी देख सकते हैं, दो आदमी का 200। ये देखिए एलिफेंट फॉल, यहाँ में आपको पेड करना है। और यहाँ से सामने ही हो गया, वो जो सामने है वैसे बड़ी वहाँ से कहाँ जाएगा, कौन से जगह से जाने? पार्किंग करके निकल जाएगा, बस नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा? सर सीधा सीधा जाएगा ना। एंड गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में 200 रुपया लिया है, एक आदमी का 100 और दो आदमी का 200। चलते हैं ना। तो वैसे अभी फाइनली पहुँच गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ में पार्किंग, ये जो टू व्हीलर का है और ये जो फोर व्हीलर का है। अभी यहाँ से सीधा जाना है ऊपर, बड़ी चलो। अभी यहाँ से जाना है सीधा, वो जो वहाँ से सीधा जाके पहुँचेगा एलिफेंट फॉल का। जिस सामने में जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हैंडमेड का ये शॉप भी है, वो इतना सुंदर सुंदर है। ये तो फाइन ट्री है ना, फाइन ट्री के भाई ना, बहुत ही सुंदर है। तो वाह, पूरा हैंडमेड का यहाँ में बहुत सारा चीज़ें है, इतना सुंदर सुंदर से बनाया है। पहले इसको आप लोग कुछ से बनाया? ये देखिए गाइस, इसको हम लोग लोकली अबोंग बोलता है, और ये अबार। अभी यहाँ से नीचे जाना है, बड़ी चलो नीचे की ओर। क्या हो गया? चलो। और गाइस, जैसे कि ये बहुत ही हाइजेनिक मेंटेन करता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ में हैंड वॉशिंग का स्टेशन भी दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये पानी। वाओ, और यहाँ से एंटर करते हैं। तो गाइस, अभी फाइनली पहुँच गए हैं ये एलिफेंट फॉल में। अभी यहाँ से नीचे तरफ देख, चलो
और जैसे कि गाइस सब लोग देख सकते हैं यहाँ से दिखाई दे रहा है, वो अंदर तक नहीं जा सकते, लेकिन आप यहाँ पे करा करके देख सकते हैं। और जैसे कि गाइस सब लोग देख रहे हैं अभी ये जो फर्स्ट फॉल है और सेकंड फॉल नीचे में है और थर्ड फॉल भी नीचे में है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नीचे तरफ जाता है, वाह पूरा अंधेरा अंधेरा होता है दिन में भी, असली मज़ा तो ऊपर में नहीं है नीचे में है असली। पूरा आती लोग वहाँ में फोटो सेशन करके फोटो वोटो खींच के बैठता है। तो जैसे कि गए सब लोग देख सकते हैं नीचे देखो, ये देखो वो इतना सुंदर है, यहाँ से नीचे बढ़ते रहना है। और ये एक अजीब सा रेस पॉइंट है, बारिश होने से आप यहाँ में करा कर सकते हैं। वो एक बॉल है ये देखिए इतना अंदर में है, बारिश होने से यहाँ में बारिश नहीं आएगा, यहाँ से देख सकते हो आप असली एलिफेंट फॉल वाटरफॉल तो यहाँ में जैसे कि वैसा कुछ देख सकते हैं। मेरा पीछे बहुत ही सुंदर है और नीचे में भी है, नीचे से भी मैं आप लोगों को दिखा देगा कितना सुंदर है। और यहाँ से पानी आ रहा है, टिप 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 टिपा हुआ पानी टिप टिप। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इतना सारा आदमी आया हुआ है, वाह एलिफेंट फॉल इसे एलिफेंट फॉल कहते हैं। और यहाँ में बहुत सारा आदमी लोग फोटो खींच के बैठा हुआ है। और आप लोग देख सकते हैं ये एक अजीबो गरीब कुछ चीज़ें जो पत्थर में चिपक के बैठा हुआ है, देखिए यहाँ में भी है और ऊपर में भी है बहुत ही सुंदर सुंदर, यहाँ से भी आप जा सकते हैं। लेकिन एक चीज है, ये इसमें जाने के लिए आपको एक और टिकट अलग से लेना पड़ेगा, क्योंकि मेन रोड से होके ऊपर तरफ जाएगा, फिर ये एक दूसरा जगह है और ये जो एलिफेंट फॉल है ये दूसरा जगह है, यहाँ के लिए टिकट अलग है और वहाँ का भी टिकट अलग है, अलग अलग लेना पड़ेगा आपको। अभी थोड़ा सा यहाँ में आया गया है तो मज़ा ले लेता हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा पीछे में बहुत सारा आदमी है, जैसे कि यहाँ में एलिफेंट फॉल यहाँ में बहुत सारा आदमी है और फोटो खींच के वहाँ में बैठा हुआ है, और यहाँ में वहाँ पर जाना नहीं देता है क्योंकि ये गहरा है, इसलिए आदमी लोग को रुका के रखा है, क्योंकि मुश्किल भी हो सकता है, दैट्स व्हाई आदमी लोग का सेफ्टी के लिए वो बना के रख दिया। तो गाइस अभी आप लोग को यहाँ से जाके इसका नज़ारा देखा देगा, ये कैसे देखते हैं बहुत ही सुंदर है और काफ़ी लोग भी यहाँ में आए हुए, इसका नज़ारा कैसे देखते हैं अभी देखा देगा। इन गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मेरा कुछ ये जो पूरा पहाड़ है काय काय है, बहुत ही डरावना है, फिर भी आदमी लोग यहाँ में आना बहुत ही पसंद करते हैं, इसलिए मैं इसका नज़र आप लोग को दिखा देगा ये कैसे देखते हैं। यहाँ से नहीं जा सकते हैं, बहुत ही काय है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं वहाँ में छोटा छोटा झरना है, असली झरना तो यहाँ में है, ये देखिए पूरा नीचे तक है। तो गाइस अभी नीचे से ऊपर तरफ जा रहा है, अभी हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि काफ़ी एंजॉय किया है नीचे में जाके। और काफ़ी लोग भी आया हुआ है यहाँ में एलिफेंट फॉल देखने के लिए, बहुत ही फ्रेश है। ओ जालिमा, अभी हम दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। बड़े कैसा लगा? आया बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा था, ऊपर से फ्रेश भी नहीं क्या था, इतना अच्छा होगा बोल के, मतलब अच्छा ही हुआ है ना, सही हुआ। तो चलो
तो गैस अभी हम दोनों नीचे से ऊपर तक आ गया है, जैसे कि अभी देख सकते हैं मेरा पीछे वो जो एंट्रेंस है, और हम दोनों यहाँ में गाड़ी का भी पार्किंग करके रखा है, यहाँ से अभी हम दोनों निकलेगा। एंड गाइस इसी के साथ मेरा आज का ये ब्लॉग ख़त्म होता है। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू गाइस आर ऑसम। जी।